अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो वेलो छोड़ो और ध्यान से सुनो। आज की शाम ठीक 4 बजे धर्मपुर के बाहर ऊंची पहाड़ी के पास पैसे लेकर आ जाना। 4 बजे मतलब 4 बजे। देखो देखो क्या हुआ, क्या कहा उसने? विशाल तो ठीक है ना? विशाल ठीक है, 4 बजे पैसे लेके बुलाया। 20 करोड़ मेरे पास है, बाकी के पैसे मैं नहीं। मनीष भाई तुम रुपया नहीं दोगे, अक्की रकम मैं दूंगा। आप पैसे क्यों देंगे? बेटा हमारा है। क्योंकि हमारे घर में से गया ना छोकरा, इसलिए उसको वापस लाने की जिम्मेवारी भी मेरी है। तुम्हारी नहीं ननका, मेरी जिम्मेदारी है। चलो मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मैं रुपया देख के उसको वापस ले आऊंगा। बहन चल। ननका तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन आज तक तूने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला। कोई भी चीज मांगनी नहीं पड़ी मुझे, बिना मांगे ही तूने हर चीज मुझे दे दी। लेकिन आज पहली बार तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलने शू जो ये चितने? नहीं ऐसे नहीं, पहले भगवान के सामने मुझे वचन दे, जो भी मैं तुझसे मांगूंगी बिना प्रश्न पूछे तू मुझे दे देगा। ले दिया वचन। हवे बोल शू जो ये। मैं मौलिक से मिलने जाऊंगी। विशाल को मैं अकेले लेके आऊंगी। नहीं मोटी बहन, असंभव न थी। अरे ऐसी परिस्थिति में मैं तेरे को अकेले कैसे भेजूं? यह पुलिस का भी मामला है ना, तू अकेली नहीं जा सकती। देख ननका, तूने अभी मुझे वचन दिया और अभी तोड़ रहा है तू। एक बहन होने के नाते में, एक माँ होने के नाते मैं तुझसे मांग रही हूँ मुझे मौलिक से मिलने जाने दे। ये माँ और बेटे के बीच का मामला है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा। माँ के आंसू बहुत दुख देते हैं, मैं बेटे को वापस लेके आऊंगी। अरे अपन मोटी बहन मारी। देख ननका, तुझे मेरी सौगंध है, विशाल को वापस लाने मैं अकेले जाऊंगी। पर फुई ये जाओ तुम्हें बनने जाओ, ने ध्यान रखना मोटी बहन का। अरे हाल ना भगवान, मैं इनमा मौलिक भाई से मिलने गई है, बहुत क्रोध में गई है। आज पता नहीं क्यों मन में एक डर सा लग रहा है कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। मेरी विनती है आपसे भगवान, आज माँ बेटे के बीच कोई अनर्थ ना हो। आज आपको मेरी ये बात रखनी ही होगी, माँ बेटे का संबंध रखना ही होगा। आज कुछ ऐसा करो भगवान कि एक माँ अपने बेटे को भटके हुए राह से सही राह पे ले आए। मौलिक भाई सुधर जाए और माँ बेटे दोनों एक साथ घर आए, केवल यही एक मनोकामना है मेरी।
हाँ, मैंने अपने सारे अंगरक्षकों को बोल देना कि मोटी बहन के साथ रह वे, है ना? मैंने कुछ भी हो तो मुझको तुरंत फोन करे, समझी क्या? हाँ। इसका मुंह बंद करा, इतना रोता है, लेकिन इसको बंद कर। हेलो साहब। हाँ बोल। एक औरत आ रही है। औरत? इसी बच्चे की माँ होगी, उसके हाथ में देख पैसे का बैग है। नहीं है साहब, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या, ये कैसे हो सकता है? अरे ध्यान से देख। मैंने देखा साहब, दोनों हाथ खाली हैं। ठीक है, इसको मेरे पास ले गया। जी अच्छा। कौन औरत है, बिना पैसे के यहां पर क्यों आई है? इधर से चलो, चलिए। चलो से। चल जल्दी चल यहां से, जल्दी आ, जल्दी चल। ए! कौन है ये? माँ मत बोल, माँ मत बोल, मर गई तेरी माँ। जिस दिन तेरे अंदर की इंसानियत मर गई ना, उसी दिन मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया। मर गई मैं तेरे लिए। ये मुंह क्यों छुपा के रखा है, निकाल इसे। कहा ना मैंने माँ मत कह मुझे, तेरी गंदी जुबान से माँ गाली जैसा लगता है मुझे, समझा तू? तुम जाओ और उसके ऊपर नजर रखो, जाओ। जी मालिक। ये क्या मुंह छिपा के बात कर रहा था, हैं? शर्म आ रही थी तुझे? अरे शर्म तो मुझे आनी चाहिए, तुझ जैसे कंस को जन्म दिया मैंने। अरे उस कंस ने तो अपने मौत के डर से अपनी बहन के बच्चों को मार दिया, तूने कौन से डर से बच्चों को अगवा किया, बता? आप यहाँ क्यों आई हैं माँ? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, तूने बच्चों को अगवा क्यों किया? आप यहाँ क्यों आई हैं माँ? हिसाब चुकता करने। हिसाब? हिसाब चाहिए आपको? ठीक है तो हम हिसाब करते हैं, दे दो मेरे पैसे और कर दो हिसाब। पैसों का नहीं डफोड़, अपने दूध का हिसाब चुकता करने आई हूँ मैं आज। माँ मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए बस। अरे कौन सा हक? महियावंशी परिवार पे मेरा हक। कौन सा परिवार है? कैसा परिवार? वो परिवार धर्मराज महियावंशी का, जिसने तुझे, तू पार्वतिया का बेटा है जानते हुए भी, बेटे जैसा प्यार दिया, वो परिवार। जिस परिवार के बच्चों को तूने अगवा किया, वो परिवार। जिस परिवार ने तुझे और मुझे रहने के लिए छत दिया और तूने क्या किया, उसी छत के नीचे की जमीन खींच ली, वो परिवार। गांव की बहू बेटियों की इज्जत बेच के तूने जिस परिवार को बदनामी का धब्बा लगाया, वो परिवार। हाँ वही परिवार, वही परिवार जिसने 20 साल तक मुझे बेटा बेटा कहने का ढोंग किया, और जिस दिन उसे पता चला कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, उस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा था, गले नहीं लगाया। सोच सोच उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीती होगी। और तू मेरी बात तो भूल जाना, मैं तेरी बात करते, तेरा तो नानका है वो, उसने तेरे साथ क्या किया? हाँ दंड दे के तुझे घर से बाहर फेंक दिया था, तब मैं लड़ा था उससे, मैं। और हाँ मैंने गांव की बहू बेटियां बेची, बेची मैंने, लेकिन तेरे भाई ने क्या किया, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से छी,
न्याय करता है तेरा भाई, न्याय व्याय कुछ नहीं आता उसको, दंड देता है वो, सिर्फ दंड। मतलब ही है तेरा भाई, मतलब ही। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।